हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। हमें तो बहुत ही खुशी है कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग हमारे ऑफिस तक आए, हमारी एकेडमी में आए, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत खुश हूँ मैं। किस तरह बर्थडे मनाने वाले हैं आज? आज देखिए, अभी बर्थडे बहुत कम इसमें मना रहा हूँ क्योंकि अभी एक कल बहुत बड़ी क्षति हुई है हमारे गवर्नमेंट में, जो है सुषमा स्वराज जी को मैं बहुत नमन करता हूँ। उनको ऐसी देवी जो है हमारे हिंदुस्तान से चली गई और वो हमारी सबकी प्रेरणा थी। उनके एक एक वाणी में दम था और जोश भर देती थी। एक ऐसी महान लेडी चली गई, तो इसलिए बहुत ही छोटे में बर्थडे मना रहा हूँ। और आज गरीबों में भी हम अपना जो है बच्चों में अनाथ आश्रम में जा करके बर्थडे मनाएंगे। और यहाँ छोटा सा आप लोग आए तो सेलिब्रिटी थोड़ा सा। आप एक एकेडमी भी चलाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? एकेडमी चलाता हूँ, काफ़ी दिनों से चलाता हूँ। और ये चाहता हूँ कि जो बच्चे भटके हुए हैं, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, तो इन बच्चों को मतलब मैं एक अच्छी तरीके से मेहनत कराता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से। आप YouTube पे भी देखेंगे किस तरीके से मैं सिखाता हूँ। तो जो बच्चे सही मार्ग नहीं पहुँच पाते हैं, स्ट्रगल करते हैं या बड़ी बड़ी एकेडमी में एक्टिंग करके आते हैं, उनको प्लेसमेंट नहीं मिलता है, तो वो सारी प्लेसमेंट से लेकर के उनको सारी सुविधाएँ मैं देता हूँ। एक्टिंग एकेडमी में पूरा एक्टिंग से लेकर डांस से लेकर के मीडिया प्रमोशन से लेकर के प्लस उनको जो है रहने की व्यवस्था सुविधा देता हूँ। और 3 प्लेसमेंट देता हूँ अपनी एकेडमी में, 3 महीने के कोर्स में। आपके एकेडमी के एक बच्चे का ब्याज बर्थडे है? जी जी जी, तो जी किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत खुशी है कि एक साथ हमारे स्टूडेंट का और मेरा दोनों का बर्थडे है 7 अगस्त, तो बड़ा खुश हूँ कि भाई चलो एक साथ दो दो केक कट रहे हैं। एज भी सेम है क्या? एज नहीं, तो छोटा है, एज में तो छोटा है। जी, तो किस तरह चलाते हैं एकेडमी आप? जैसे मंडे टू फ्राइडे चलाता हूँ। और कितने लोग हैं एकेडमी में आपके? एक बैच में 5 बच्चे से ऊपर नहीं लेता हूँ क्योंकि उनको 12 से लेकर के 6 बजे तक जो है 6 घंटे का क्लास लेता हूँ एक्टिंग और डांस का। तो 5 से 6 बच्चे मैं इसलिए सिखाता हूँ कि उनको पूरी तरह से उनको हम प्लेटफॉर्म दे सकें, प्रॉपर सिखा सके। अब एक साथ अगर 20 बच्चे 50 बच्चे होते तो उनको रिहर्सल हम प्लेटफॉर्म पे नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए जो है हम 6 बच्चे 5 बच्चों को ही सिखाते हैं। बर्थडे आपका, सबसे पहले किसने आपको विश किया रात के 12 बजे? इंडस्ट्री के बड़े हस्ती हैं आप भी। जी जी, हमारे साथ जो है हमारे स्टूडेंट लोग जो है आयुष सिंह जो है, उनकी धर्मपत्नी, ये लोग 12 बजे करेक्ट किए। इसके बाद पराग पाटिल जी ने, हमारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे मित्र हैं हमारे। और इसके बाद अरुण सिंह काका जी जो है सुबह रात में फ़ोन किए, फिर इसके बाद सुबह किए, तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जो है। देखिए आज काका जी जो है अपना काम वगैरह सब छोड़ करके पहुँचे हैं और ये हमारे अच्छे सुख दुख में और हर तरीके से मेरे साथ रहते हैं। अगर रात को 2 बजे की भी अगर कोई बात होती है, हमारे इनके बीच में तुरंत हाजिर होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि
अरुण सिंह काका जी के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री सब जानती है, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि ये कलाकारों से बहुत प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात, चाहे छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो, हमारे एकेडमी में ये हफ्ते में एक बार दो बार जरूर आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उनको समझाते हैं, उनको हौसला बुलंद करते हैं हमेशा। चाहे आप अरुण सिंह काका जी का ये है सपोर्ट मेरे साथ की, या अवधेश मिश्रा जी हैं, बड़े महान खलनायक, महान नायक जिसको हम बोल सकते हैं, वो हैं देव सिंह जी हैं, और ये सब लोग खुद मेरे बच्चों को आकर के समझाते हैं। और ऑलरेडी इसके पिछले साल एक बार हम लोगों ने वर्कशॉप किया था, तो वहाँ पर पवन जी भी आए थे और पूरे एंटी हीरोज जो थे वो सब लोग हमारे बच्चों को पार्टिसिपेट करने का बहुत बड़ा मौका दिया था, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार और डायरेक्टर प्रोड्यूसर बड़ी हस्तियों ने सब अवार्ड दिया हमारे बच्चों को, तो बहुत ही खुशी हुई थी। उसमें सबसे बड़ा भूमिका, सबसे बड़ी अगर देखी जाए तो काका जी का था हमारे। चलिए काका जी से कहना शुरू करते हैं। काका जी, क्या कैसा सचिन का बर्थडे है, किस तरह से मना रहे हैं? सबसे पहले हम आप सब चैनल के माध्यम से आप सबको नमस्कार प्रणाम, और हमारे भोजपुरी श्रोता को भी प्रणाम करना चाहूँगा, और हमारे बहुत ही अजीज और मेरे बहुत करीबी मित्र सचिन यादव का आज जन्मदिन है, और मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि भाई हमारे दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़े। और सबसे खुशी की बात है कि ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं ही चाहूँगा कि आज इनका दिन है, आज के दिन इनके जन्म हुआ था, तो ये बहुत सौभाग्यशाली हैं और इनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, तो मैं इनको बहुत सारी शुभकामना दूंगा कि आगे बढ़े। सर, आज गम का भी दिन है, सुषमा स्वराज का जो है वो निधन हुआ है, उसमें क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत गमगीन आज कहीं ना कहीं माहौल है पूरे देश में। भारतवर्ष के राजनीतिक में एक बहुत ही अहम भूमिका देने वाली स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, जो कि बहुत ही धाकड़ और दबंग महिला में से मानी जाती थी। वो पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत से लोगों को जो विदेश में रहते थे उन लोगों को उन्होंने छुड़वाया, वहाँ से बुलाया, उनका बहुत ही मतलब लगाव अपने लोगों से रहा है, अपने देश के प्रति रहा है, तो आज दुख तो जरूर है कि आज वो हम लोगों को छोड़कर चली गई, यानी राजनीति का एक अंग कहीं ना कहीं टूट गया। तो मतलब इसके इसी लेके सचिन का जो बर्थडे है वो आज थोड़ा, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिल में ये है कि चलिए अब तो जन्मदिन आज है तो वो थोड़ा सेलिब्रेट करना है, लेकिन उस स्तर पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश के साथ ही रहना है, देश अपना है, और उन्होंने देश के लिए समर्पित उन्होंने रहा है, और देश की पहली वो लेडीज थी कि जो सबसे पहले कम उम्र में उन्होंने मंत्री पद लिया था, और मुख्यमंत्री भी वो बनी थी, तो बहुत कम उम्र में बनी थी। सचिन जी, आप सहमत है इस चीज से? बिल्कुल। बात करें तो धारा 370 हटा दी गई है, तो क्या अब आप डायरेक्टर और एक आर्टिस्ट भी हैं, तो क्या कश्मीर में जाके पिक्चर बनाना चाहेंगे? बिल्कुल, एकदम जाएंगे। आज बहुत अच्छा लहरा रहा है वहां पर, और मोदी जी को तो मैं सैल्यूट करूंगा, और बता रहा हूँ कि मतलब जो छाती चौड़ी होती है, और एक जो बिल्कुल मोदी जी ने एक घमंड जिसको हम बोलते हैं आज की तारीख में, घमंड बोलते हैं, बहुत अच्छा काम किया मोदी जी को, मैं घमंड बोलता हूँ, टाइगर वो है पूरे हमारे हिंदुस्तान के, और ऐसे ही नेता की जरूरत हमेशा रहेगी हमारे हिंदुस्तान को, जो आज नंबर वन पे पहुंच रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला कि जो पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है, जो आज 70-72 साल में जो चीज नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज है कि मोदी जी जैसा इंसान देश के लिए जीता है, और हम लोग सौभाग्यशाली भी है मोदी जी के साथ कि हम लोग मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और भी सौभाग्यशाली हम लोग इसके लिए है कि वैसा विपक्ष हम लोगों को मिला है। मैं तो चाहूंगा कि ऐसा विपक्ष आजीवन बना रहे, क्योंकि अगर ऐसा विपक्ष नहीं होता तो मोदी जी भी ऐसा काम नहीं करते, शायद मोदी जी भी कुछ गलत करते या कुछ करने का उनको मौका मिलता, लेकिन इतना अच्छा विपक्ष है कि उनको गलत नहीं करने देता है, तो ऐसा विपक्ष को भी मैं चाहूंगा कि आजीवन इस विपक्ष में बना रहे, और पक्ष में मोदी जी बने रहे देश के हित के लिए। एक आखिरी सवाल सर, भोजपुरी इंडस्ट्री से आप काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, और पवन सिंह जो अक्षय सिंह का जो विवाद चल रहा है, उन्होंने अक्षय सिंह ने आरोप लगाए हैं पवन जी पर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पवन जी हमारे बचपन के मित्र रहे हैं, हम लोग 5वा 6वा 7वा साथ में पढ़े हैं, और बहुत हमारे करीबी पवन भाई हैं, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। अक्षरा जी भी हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं, दोनों इंडस्ट्री के हमारे करीबी हैं, तो इन दोनों के बीच में मैं कुछ भी टिप्पणी देना नहीं चाहूंगा, कारण कि जब वो दोनों ने आपस में, उन लोगों का व्यक्तिगत मैटर है, उन लोगों का पर्सनल मैटर है, जब उन दोनों ने आपस में जब सहमति से जो सब कुछ किया होगा या क्या है उन लोगों का आपसी में, उस टाइम तो ना पवन जी ने हमसे पूछा है, ना खेसारी सॉरी ना अक्षरा जी ने हमसे पूछा है, तो जब अक्षरा जी और पवन जी ने हमसे बिना पूछे कुछ किया, तो हम लोग उसमें टिप्पणी देना उचित नहीं समझता हूँ।
जिस तरह से अक्षरा जी ने खुलकर सारी बातें मीडिया के सामने बताई और पवन जी मीडिया को इग्नोर कर रहे हैं, कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं चाहूंगा कि पवन जी को भी आके टिप्पणी देनी चाहिए, और अक्षरा जी ने अगर इस तरह की बातें अगर कहा है और उन्होंने आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं अक्षरा जी में सत्यता होगा, अक्षरा जी के पास प्रूफ होगा। ये चीज में डीपली हम क्या बोलें, ये तो उन दोनों को ही पता होगा, लेकिन पवन भाई को भी एक बार मीडिया में आना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। सचिन जी आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पोस्टर दिख रही है अक्षरा सिंह और पवन सिंह के साथ, आपने सेल्फी लिया हुआ है पीछे। हाँ, तो आपने शूट किया उनके साथ, किस तरह का व्यवहार रहा है सेट पे? हाँ एक्चुअली हमने भी शो करा था दोहा अपना यहाँ आसाम में पिछले साल अक्षरा जी और पवन जी को लेकर के, तो बड़ा अच्छा व्यवहार रहा है हमारे साथ और बहुत अच्छे इंसान है पवन जी। और पवन जी के अंदर एक चीज़ है कि यस तो यस, नो तो नो, ऐसे इंसान है, ह्यूमन माने जाते हैं। और जितनी भोजपुरी में फिल्में उन्होंने देशभक्ति के रूप में जो बनाई है आज तक किसी हीरोइन ने नहीं बनाई है। और जहाँ तक रहा सवाल अक्षरा जी का, तो हमारा भी उनसे ये है, दोस्ती है, अच्छा व्यवहार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पवन जी और अक्षरा जी का जो पर्सनल मैटर है उसमें तो हमें नहीं बोलना चाहिए, ना बोलूँगा। एक्चुअली एक चीज़ यह है कि जैसे कोई भी हीरो है आज के तारीख में, चाहे दिनेश जी हों और चाहे मनोज तिवारी जी रहे हों, रवि किशन जी रहे हों और निरहुआ जी रहे हों, पवन भैया हैं, खेसारी भैया, सब लोग हैं, तो आज हीरोइनें सपोर्ट आज साथ में रहती हैं तो अच्छी फिल्में करके बड़े एक्टरों के साथ में अपना करियर बनाती हैं। तो अगर कहीं ना कहीं प्लस माइनस होता है तो उसमें लड़कियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उन सामने वाले की इज्जत लेने से पहले अपनी इज्जत का भी ख्याल करना चाहिए। और आज के तारीख में अगर देखा जाए तो हर एक इंसान, हर भोजपुरी में सबकी जोड़ी है, आप सबको पता है, तो जहाँ जोड़ी है, जहाँ दोस्ती है, जहाँ हमारा आपका बनता है, वहाँ हम काम करते हैं, हर जगह टीम वर्क है। तो टीम वर्क में अगर कहीं अनबन हो जाता है, कुछ भी प्लस माइनस होता है, तो उसको मैनेज करना चाहिए, ना कि मीडिया में जा करके, ना पुलिस केस करके। ये सब करके क्या होता है कि खुद का करियर वाट लगती है, प्लस और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी बदनाम होती है। तो वैसा नहीं करना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। तो इसमें आपका कहने का मतलब है कि अक्षरा जी जो कर रहे हैं वो गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि पर्सनल मैटर में अगर देखा जाए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर पवन भैया को जो बदनाम कर रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए इस तरीके से। जो तरीका है वो गलत है, क्योंकि आज जितनी फिल्में हिट दी हैं वो कि जब तक खेसारी जी के साथ थी तो उस लेवल तक पहुँची, इसके बाद पवन जी के साथ जब जोड़ी हुई जमी तो उन सबके साथ में आज अच्छे लेवल पर उन्होंने एक बड़ा नाम अक्षरा जी का है, तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए था सब कदम उठाने से पहले। पवन जी की एक बात सामने आ रही है, आपने काफी काम किया उनके साथ, काफी शो किए हैं, कि सेट के दौरान वो दारू पीकर, शराब पीकर मारपीट करते थे, इस वजह से आपको कभी ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो गलत है। देखिए मीडिया है, आप लोग भी मीडिया है, और जहाँ जैसे बड़ा स्टार होता है तो कोई अगर कुछ 1% अगर कहीं माइनस प्लस होता है, हम सबके साथ होता है, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन अगर कोई बड़ा है तो उसकी ज़्यादा लोग उछाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। पवन जी के अंदर ऐसी बातें नहीं है, खाना पीना इंजॉय करना सबका है, लाइफ है, सब करते हैं, बट लोग जो है उछालते हैं, गलत बात है। ठाकुर जी आपसे एक सवाल है, आपने बोला कि पवन सिंह आपके बचपन के दोस्त हैं, तो क्या पवन सिंह ने आपको मतलब फोन किया कि अक्षरा सिंह के साथ काम मत करना, अक्षरा सिंह ऐसा आरोप लगाइए कि? नहीं, मैं इस तरह का बात मुझे पवन सिंह का कभी भी फोन नहीं आया, और पवन जी मुझे कभी ऐसा नहीं बोले कि उनको आप शो मत दो या उनको प्रोग्राम मत दो या फिल्में मत दो। मैं अभी पिछले मैं लास्ट मूवी मैंने किया था लव मैरिज, तो अक्षरा जी के साथ में ही मैंने काम किया था। कहना चाहेंगे बर्थडे के तौर पे? सबसे पहले मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आज मेरा बर्थडे है, बहुत खुश हूँ मैं, और सबसे खुशी मुझे ये मिली है कि आज मेरे सर के साथ जो हमारे गुरु हैं, जो हमको सिखाते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, उनके साथ मेरा बर्थडे है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर, आप बोलिए। आज सर आपके करीबी का बर्थडे है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो हमारे गुरु जी का भी बर्थडे है और हमारे मित्र का भी बर्थडे है, और जो भी आप इंतजाम देख रहे हैं सब भैया ने करवाया है, तो बहुत खुशी की बात है कि आप दोनों लोग का साथ में बर्थडे है। तो किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बर्थडे अभी तो सब लोग आ नहीं पाए हैं, तो अभी हम लोग ऐसे ही नॉर्मल सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद जब शाम को सारे मित्र इकट्ठा होंगे उसके बाद हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सचिन जी एक एकेडमी भी चलाते हैं इंडियन फिल्म एक्टिंग, तो किस तरह से इसमें सहभागी है, किस तरह से जुड़े हुए हैं एकेडमी में, और कहाँ तक का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अभी तक? अभी तक प्लेटफॉर्म मिला है और आगे मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे सर जो हैं सिखाते हैं, हर बच्चों को ज्ञान देते हैं,
क्योंकि उनका ही ज्ञान मैं पकड़ूंगा, अगर सीखूंगा तो हमको बहुत आगे तक पहुंचाएंगे, इतना हमारा भरोसा है और हम पे विश्वास भी है। क्योंकि हमारे सर जो हैं वो हमारे माँ बाप के जैसे हैं, हमारे माँ बाप जिसे वो प्यार द्वार देते हैं उससे कई ज़्यादा हमारे सर देते हैं। क्योंकि आप इस एकेडमी से कब से जुड़े हुए हैं और क्या क्या फ़ायदे मिले आपको, क्या कुछ सीखने को मिला? हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है और हमको जुड़े हुए कम से कम 2-3 महीना हुआ है अभी, लेकिन 2-3 महीने में मैं इतना सीख गया हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं सीखा था, लेकिन यहाँ पर आके मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। और ये सवाल अपने गुरु के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरु हैं हमारे, बस उनको अपना माँ बाप और हम जो भी हैं सब समय इनको समझते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने जन्म दिया है लेकिन कर्म करने वाले हमारे सचिन सर यादव हैं। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। आज मेरे सर का भी बर्थडे और मेरे दोस्त का भी बर्थडे राजेश जो है। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।